से कौन आया रे इससे? अरे चूतिया होगा और कौन देगा? तू तो यहाँ बैठा है, और कौन चूतिया हो सकता है? मैंने होगा बे क्या ना जी क्या है मधुसूदन इतना टाइम क्यों लगा? सही रे भाई सही है। क्या बोला भी चम्मच चुकी है? मैं बैठा था उधर, तू इधर बैठ भाई, मैं बैठने वाला हूँ। हाँ इधर बैठ भाई, का दिल आया अभी यहाँ बैठने का, या कुर्सी पे जाके बैठ। छुट्टी है साले तो छुट्टी। अरे ये साल कैसा गया पता ही नहीं चला रे। तुम दोनों के पास तो आए थे मेरे भाई लिख के, मेरे मुझे पूछना है कैसा गया। तेरा बहुत अच्छा है भाई, एक नंबर बना हर जगन्नाथ। तुम रूम पे बैठोगे तो थोड़ी तुमको आइटम पटेगी, पहले तेरा चेहरा देख के ना छूतिया कुत्ती भी नहीं पटेगी तेरे से। तो अरे 31st आया है, 31st पार्टी करनी है हमको, जब पिछली बार की तरह पार्टी करनी पड़ेगी वो। हाँ भाई क्यों नहीं करेंगे ना। मैं नहीं बाबू, मैं नहीं आ रहा इस बार पार्टी। क्या हुआ छूतिया? तो पता है ना मैं दारू नहीं, दारू पीने की कौन बात कर रहा है, यहाँ पे पार्टी की बात चल रही है, खाना पीना नहीं है, खाना ही से। अरे तू मुझको मत बता, पता है तुमको पिछली बार साले दारू पी के साले उल्टी किए थे सब, वो काम वाले ने साफ किए, पता है तुमको? देखो साला दोस्त कैसा मिला है, एक चुतिया है साला पैसा देता है दारू नहीं पीता है, और ये चुतिया जो है पैसा नहीं देता है लेकिन दारू इतना पिया कि साला पूरा खत्म कर देगा, और जिस दिन दारू लेके आएगा एक एक घोट करके पूरा बोतल खत्म कर देगा। ये चूतिया माधव चूत, पता है ना दारू से लिवर खराब होती है। अब देख चूतिया का शो हुआ, दारू मत पी, पैसा दे, खाना खा, सो जा। माधव चूत ऐसा ही करता है। चूतिया तुम क्या प्रेमी पीने का रिकॉर्ड बनाएगा क्या? हां ये साला जो है ना ऐसा ही हर बार ऐसा ही करता है। मीना बे मैंने कब ऐसा किया था? तुम कुछ मत बोल भोसड़ी के, सिर्फ पैसा दे बाकी का हम देख लेंगे। और दो तीन दो लोग उससे ना और लड़की एक ना मारे तो न्यू देखा है कभी अपना लड़की चाहिए? अच्छा जाने दो, तो आपने अपने दोस्तों को पूछो कोई आने वाला है कि नहीं, तो तीनों ही पार्टी करते थे। हाँ भाई क्या कर रहा है भाई? पार्टी करने के आ जाना रूम पे, 31st रे यार, रहना रवले भी है चमन भी है। हाँ मदद करके आओ ना। क्या कहाँ जा रहा? अच्छा अच्छा ठीक है भाई, टेंशन नो टेंशन। क्या हुआ बे? अरे वो नहीं, वो बड़ी पार्टी में जा रहा है, उसके पास पास मिला है, उसको कोई पास दिया है, वही पार्टी में जा रहे हैं। देख भाई मुझे तो लगता है कोई नहीं आने वाला है, हम तीनों ही पार्टी करना पड़ेगा। तो बताओ पैसा कितना निकलना, क्या करना है? मतलब पैसा भी देना है? तो प्रीमी देने के लिए तुम्हारा बाप बैठा है ना उधर। अरे वो दारू चखना और खाने का कितना होगा जरा निकालना। लगभग 3000 के आसपास आ जाएगा मेरे हिसाब से तो। मतलब हर एक को 1000 रुपए निकलना पड़ेगा? चुतिया को इसका हिसाब बड़ा रहता है, कहाँ डिवाइड करना है उसे चुतिया को बिल्कुल एकदम पता है। अच्छा कौन कौन क्या क्या पिएगा और
खाना यहाँ खाएंगे कि बाहर खाएंगे, वो दोनों भी तुम तय करके बताओ अभी तक। खाना यहाँ पे बनाएंगे ना तो दिक्कत है, और अगर यहाँ पे पिएंगे खाना खाने के लिए बाहर जाएंगे वो अच्छा रहेगा। देखो हम पी के बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए तो बाहर पुलिस रहती है, पी के बाहर चला नहीं सकते गाड़ी, और अगर खा पी के ही आएंगे आते समय वही प्रॉब्लम होगी। अरे तो पार्सल मंगवाता है ना आते, दारू लेने जाना ही होगा तो आते समय पार्सल भी लेके आ सकते हैं हम। मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो पैसे निकालते हैं उसके बाद देखते हैं ना कि क्या करना है। मैं तो 500 रुपये दूंगा आदर्श साले। अभी तुमको क्या हुआ बताओ हमको पहले, क्योंकि ये तू दारू नहीं पीगा तो भी चलेगा, लेकिन तुमको एक बताओ तुमको पैसे ही देना ही पड़ेगा क्योंकि तुम आखिर में दारू पीने आएगा ही। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मेरे लिए एक गीजर ले लेंगे बस। सुती है इसे अच्छा तुम छाछ दही नहीं तो लस्सी ले ले, दारू के नाम पे क्यों भूख रहा है। मैं तो बियर पीऊंगा भाई। अबे लौड़े तुमको अभी क्या हुआ, पिछली बार क्या हालत हुई थी तुमको पता ही है ना भाई। मादर चौथो सुन सालों को दारू पी के कुछ नहीं होता है, और इस बार मैं बियर पीता हूँ, मुझे बहुत नहीं तो किंगफिशर के लिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ झाकू आया ना अब नल लाइन पे, दिखा दी ना अपने औकात। चकना है ना, ये देखो चिकन टिक्की के बाद लॉलीपॉप, उसके बाद में कलेजा फ्राई, उसके बाद में अपना दाल मूंग दाल अपना चना दाल, और सर अपना पापड़ लेके आएंगे, मसाला पापड़ लेके आएंगे, चकली लेके आएंगे, और कुछ रहेगा और तो मूंग दाल भी चलेगा, भुट्टा चलेगा, ठीक है ना। उसकी है तेरे बाप की शादी है जो इतना सब लाएगा। साले दारू नहीं पिएगा और चखने का लिस्ट बना के बैठा है छूट गया साला। तो दारू नहीं पिएगा तो चखना तो खाना का है। साले पैसा नहीं देगा तो तुमको चखना भी नहीं मिलेगा, और फाइनल यही है कि बीपी लाएंगे और कीमत मिल बांट के पिएंगे। तो तुम एक बता, दारू पिएगा कि बीपी देखेगा, तू एक नंबर का चूती है पता है तुमको। तू क्या बोल रहा है कि साला बीपी लाएंगे बोल रहा है, ये चूती है बीपी मतलब ब्लेंडर प्राइस दावे और दारू। अरे इसको क्या पता चले चूती है को, पिछली बार इसको आरएस पिलाई थी, पूरी रात साले ने उल्टी कर कर के पूरा रूम गंदा कर दिया था। ठीक है भाई इस बार पियेंगे तीनों भी बीपी पियेंगे, और चकना क्या लाना है बताओ अभी। वो लाएंगे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आने जाने का प्रॉब्लम है बस। अरे होटल में जाएंगे जो होगा देखा जाएगा। हाँ वो तो मैं भी वही सोच रहा था कि देखो खाना यहाँ पे बनाएंगे बोल रहा है, और ये सब करेंगे तो पियेंगे कब, खाएंगे कब, मजा कब करेंगे, इससे अच्छा है तो होटल में जाएंगे ना आराम से, उधर ही खा पी के आ जाएंगे जो होगा देखा जाएगा। देखो दोनों को भी जो बोल रहा हूँ सुनो, पहले इस तरह मैं जो बोल रहा हूँ सुनो और ध्यान से सोचो जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। अपने पास गाड़ी है, और उसके बाद लाइसेंस भी है अपने पास। हाँ है, और इसका और उसका क्या लेन देन है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ सुनो, जो मैं दारू पीने वाला नहीं था, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं पी रहा हूँ, लेकिन अगर बाहर जाके पीना है बोल रहे हो तो मैं नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि दारू पी के गाड़ी चलाने के लिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला हूँ। और उसके बाद में उनको खाने का प्रॉब्लम है ना, ठीक है, खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है, तो मैं खाना बनाता हूँ, बर्तन भी धो लेता हूँ, और क्या चाहिए, वो सब करता हूँ, लेकिन भाई मैं गाड़ी पे दारू पी के जाने वाला नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, तो जो है यहीं पे लेके आएंगे, यहीं पे पियेंगे और मजा यहीं पे ही बहुत सारा मजा करेंगे। अच्छा ठीक है, डन डन, पार्टी करेंगे इस बार। प्लीज दोस्तों प्लीज दारू पी के गाड़ी मत चलाइए, और दूसरों की लाइफ खतरे में मत डालिए। प्लीज डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, सेव अ लाइफ।